तो आज खाने में था आलू पूरी और उसके साथ कोई बोंडा वाला था, पता नहीं ये क्या है नहीं, खा के देखना पड़ेगा कैसा लगता है नहीं लगता है। चलिए मैंने खा लिया हूँ और मैं खा के उठ गया हूँ, और उठने के बाद पेट भी नहीं भरा आज, पेट भी नहीं आज। हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का जो ये ब्लॉग है उसमें आप सभी का स्वागत है, और इस ब्लॉग में आप लोग को पता चलेगा जो मैं खाने जा रहा हूँ, और खाने में आज बहुत ही अच्छा चीज़ बना है जो कि मैं पहली बार खाने जा रहा हूँ। अब क्या है नहीं है चलिए वो जानते हैं, आप लोग स्टार्टिंग में पता ही चल गया होगा, तो कमेंट ज़रूर करिएगा जो क्या है नहीं है और आप खाए हैं कि नहीं, यह ज़रूर कमेंट करिएगा। तो चलिए चलते हैं और खाते हैं, टेस्ट करते हैं किस तरह का लगता है नहीं लगता है, वे भी शेयर करते हैं, और ब्लॉग में लास्ट तक बने रहेगा अच्छे से जानने के लिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो मैं आ गया हूँ नीचे खाने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए, और आज मैं बहुत भूखा हूँ क्योंकि कल भी मैंने नहीं खाया था, और आज मैं इसलिए मैं सुबह सुबह उठ के जल्दी में आ गया हूँ, और जल्दी से मैंने 4 बोंडे ले लिए हैं। ये जो हाथ में देख रहे हैं इसको बोंडा कहा जाता है, जो कि साउथ इंडिया में फेमस है। और उसी के साथ मेरे पास और एक चीज़ है जो कि नॉर्थ इंडिया में बहुत फेमस है, वह है हमारा आलू पूरी। जी हाँ, आलू पूरी भी है यहाँ पे, जो कि बहुत अच्छा रहता है। देख सकते हैं आलू पूरी भी है, बोंडा भी है, उसके साथ एक दही वाला चीज़ भी है। तो खाने में बहुत अच्छा नहीं है, बोंडा खाने में बहुत अच्छा नहीं लगा मुझे, और आलू पूरी भी मुझे नहीं अच्छा लगा क्योंकि उसमें बहुत तेल रहता है, और आप सब भी बहुत बार तेल को लेकर नहीं खाते होंगे, तो आप सब कमेंट जरूर करेगा क्या दिक्कत होता। तो मैं अभी मैं खाना खा लिया हूँ, और चले दोस्तों अब अपन खाना खाने के बाद कुछ इस तरह का होता है जो मेरा पेट बहुत दुखने लगता है, और मेरा पेट भी नहीं भरता, मैं पूरा खा भी नहीं सका क्योंकि खाना नहीं अच्छा बना था आज का। तो इसलिए तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा है, तो भगवान के नाम से एक सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग।